उससे एक बार एक शेरनी की अपने बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई। उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। वो शेरनी का बच्चा गलती से उन भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। भेड़ों ने भी उसे अपने झुंड का हिस्सा समझकर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे वो भेड़ों के साथ ही घुल मिल गया और उसे भेड़ों ने ही पाला। उनके साथ रहते हुए शेर के बच्चे ने भी यह मान लिया कि वो एक भेड़ है, ना कि कोई शेर। क्योंकि वो भेड़ों के बीच ही पला बड़ा था, इसलिए उसका उनकी तरह दिखना स्वाभाविक था। वो शाकाहारी बन गया और बड़े मजे से घास खाने लगा। शेर क्या होते हैं उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि शेर दिखते कैसे हैं। उसे पता भी कैसे होता, क्योंकि उसके चारों तरफ तो बस भेड़े ही भेड़े थी। उसने ना तो कभी दहाड़ा था और ना ही कभी वो शेर की तरह अकेला रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बच्चा बड़ा हो गया और एक बहुत खूबसूरत और जवान शेर बन गया। जैसे भेड़ें उसकी आदि हो चुकी थी, वैसे वो भी भेड़ों का आदि हो चुका था। कोई भी भेड़ उससे नहीं डरती थी। लेकिन एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसके झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के एक झुंड में एक जवान शेर को घास चरते हुए देखा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ना तो वो भेड़ें उससे डर रही थी और ना ही वो शेर उन्हें कुछ कह रहा था। वो बूढ़ा शेर ये भूल गया कि वो यहाँ एक भेड़ को पकड़ने आया है, और उसने उस जवान शेर को पकड़ने का फैसला किया ताकि वो पता लगा सके कि ये चल क्या रहा है। इसलिए उसने भेड़ों के उस झुंड पर हमला कर दिया। उसे देखकर सभी भेड़े अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और वो जवान शेर भी उनके साथ ही भागने लगा। हालांकि जवान शेर को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन बूढ़े शेर ने किसी न किसी तरह उसे पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उसे कहा, अरे बेवकूफ, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? जवान शेर ने कहा, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं एक कमजोर भेड़ हूँ, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। वो डर से कांप रहा था और भेड़ की तरह मिमिया रहा था। बूढ़े शेर को ये समझने में देर ना लगी कि माजरा क्या है। बूढ़ा शेर उसे पकड़कर झील की ओर ले जाने लगा, लेकिन वो जवान शेर उसके साथ नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये शेर मुझे झील पर ले जाकर मार देगा। उसने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे छूटने का मौका ही नहीं दिया और वो उसे खींच कर झील पर ले गया। झील आईने की तरह साफ थी। बूढ़े शेर ने जवान शेर को झील में देखने के लिए कहा। बूढ़े शेर ने कहा, देखो मेरे चेहरे को देखो और अपने चेहरे को देखो, मेरे शरीर को देखो और पानी में अपने शरीर को देखो। जवान शेर ने रोते रोते झील में देखा। जैसे ही उसने झील में देखा वो चकित रह गया। उसने पहली बार अपने आप को देखा था। उसने पहली बार ये देखा था कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। उसे समझ आ गया कि वो एक शेर है, ना कि कोई भेड़। फिर उसने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। उसके अंदर की भेड़ गायब हो गई। उसने अपने आप को पहचान लिया था और अब वो पूरी तरह से बदल गया। वो समझ गया कि भेड़ तो बस उसके दिमाग में थी, उसने हकीकत देख ली थी। उसने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, जैसी उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। उसको अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति महसूस हुई। वो अब तक एक कमजोर भेड़ बनकर जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी असलियत को पहचाना, उसके अंदर की सारी कमजोरी दूर हो गई और वो एक शेर की तरह निडर होकर जीने लगा। इस खूबसूरत सी कहानी में एक बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। जरा सोचिए कि आपके अंदर भी कितनी अनदेखी प्रतिभाएं और क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। आप भी भेड़ों के झुंड से घिरे शेर हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आपने भी ये मान लिया है कि आप बहुत कमजोर हैं और आपको अपनी असली ताकत के बारे में पता ही नहीं है। आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो हमेशा आपको ये महसूस करवाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहते रहते उनके जैसे ही हो गए हैं। आपको ऐसे लोगों की भीड़ से अलग होना होगा और अपनी असली क्षमता को पहचानना होगा। और जिस दिन आपने अपने अंदर के उस शेर की क्षमता को पहचान लिया, उस दिन आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।